है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू डोंट नो मी, माय सेल्फ मोनाली, और मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी ये वाला मेकअप लुक फॉर दिवाली। इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड टू वॉच दिस वीडियो देन प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग। ये इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट वुड मीन अ वर्ल्ड टू मी, एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट लेट्स जंप इन टू द वीडियो। फेस को वॉश करने के बाद सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी फेशियल टोनर। हमारा फेस वॉश होने के बाद स्किन पोर्स जो है वो ओपन हो जाते हैं, उनको क्लोज करने के लिए हमें फेशियल टोनर का यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी आई क्रीम। अंडर आई एरिया पे मैं इस क्रीम की हेल्प से अच्छे से लाइट हैंड से, लाइट प्रेशर से मैं मसाज करूँगी। देन मैं यूज़ करूँगी हाइलुरोनिक एसिड सीरम फ्रॉम ब्रांड लॉरियल, एंड इसको मैं जेंटली मसाज करूँगी अपने फेस पे। बट आई एम नॉट यूजिंग दिस सीरम अंडर माई आई एरिया बिकॉज ये सीरम्स जो होते हैं वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं एंड अंडर आई की जो स्किन होती है वो काफ़ी नाजुक होती है, एंड आई एम यूजिंग माई रेगुलर लिप बाम हियर। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी अपना रेगुलर मॉइस्चराइजर। ऑलवेज रिमेंबर, आपका स्किन टाइप कौन सा भी हो, नेवर स्किप योर मॉइस्चराइजर। आपके स्किन टाइप को ध्यान में रखते हुए आपको मॉइस्चराइजर को चूज़ करना है। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस मैटिफाइंग प्राइमर बिकॉज दिवाली के दिन थोड़ी सी घाई होती है, थोड़ी जल्दी जल्दी होती है और स्वेटिंग हो सकती है, फेस पे ऑयल आ सकता है, तो ये ना हो इसे अवॉइड करने के लिए आई एम यूजिंग दिस मैटिफाइंग प्राइमर। इफ़ यू आर नॉट फेसिंग सच प्रॉब्लम देन यू कैन यूज़ एनी प्राइमर दैट यू हैव। फेस पे मुझे जहाँ पे डार्कनेस है वहाँ पे ही मैं यूज़ करूँगी ये वाला कंसीलर ताकि जो भी डार्कनेस है वो काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज हो जाए। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी फाउंडेशन। फाउंडेशन को ब्लेंड करूँगी विद द हेल्प ऑफ द फाउंडेशन ब्रश। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी क्वाइट लाइटर शेड ऑफ कंसीलर एंड उसको अप्लाई करूँगी मैं अंडर माय आईज, ब्रिज ऑफ द नोज, फोरहेड एंड अराउंड माय माउथ एरिया, एंड उसको ब्लेंड करूँगी कंसीलर ब्रश की हेल्प से। आईब्रो किट को यूज़ करूँगी मैं मेरे आईब्राउज को फिल अप करने के लिए। क्रीम कॉन्टोर स्टिक मैं यूज़ करूँगी फेस को कॉन्टोर करने के लिए और उसको मैं ब्लेंड करूँगी विद द हेल्प ऑफ ब्रश। रिसेंटली आई एम लविंग मेकअप ब्रशेज इनटू माय मेकअप रूटीन बिकॉज दे आर वेरी वेरी कन्वीनियंट एज कम्पेयर टू द ब्यूटी ब्लेंडर। अगेन उनका जो हाइजीन होता है वो रखना भी काफ़ी कन्वीनियंट होता है एंड उनकी लॉन्जिटिविटी भी काफ़ी अच्छी होती है अगर आप अच्छे मेकअप ब्रशेज में इन्वेस्ट करो तो। देन मैं यूज़ करूँगी एक ट्रांसलूसेंट पाउडर टू सेट माय कंसीलर। नेक्स्ट टू ब्रॉन्ज माय फेस आई एम यूजिंग दिस ब्रॉन्जिंग पाउडर एंड यूजिंग दिस फ्लैट कॉन्टोर ब्रश। फॉर टुडेज आई लुक मैंने यहाँ पे लिया है वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट और उसमें से ये वाला शेड मैं पिक करूँगी और उसको ऑल ओवर माई आईलिड प्लेस करूँगी। ये आई लुक मैंने ईजी एंड सिंपल येट ग्लैम रखा हुआ है ताकि आप कम से कम समय में ये आई मेकअप लुक क्रिएट कर सको। एंड इस आई शेडो के एजेस को मैं ब्लेंड करूँगी विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेंडिंग ब्रश। नेक्स्ट उसी ब्रश की हेल्प से मैं ये ट्रांजिशन शेड लूँगी और उसको इस वाले आई शेडो के साथ ब्लेंड करूँगी। अगेन मैं सेम प्रोसेस रिपीट करूँगी ऑन बोथ द आईलिड्स। जो वाला ट्रांजिशन शेड मैंने यूज़ किया था उसी को मैं यूज़ करूँगी अपने लोअर लैश लाइन पे। जो वाला आई शेडो हमने पूरे आईलिड पे लगाया था उसी शेड को हम लगाएंगे हमारे लोअर लैश लाइन पे।
Next, I'm using this liquid highlighter to highlight the inner half area of my eyes. और इस लिक्विड हाइलाइटर को सेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी पाउडर हाइलाइटर। ऑन माई चीक्स आई एम यूजिंग दिस पाउडर ब्लश, माई फेवरेट हाइलाइटर पैलेट विच हैज़ अमेजिंग हाइलाइटर शेड्स, एंड मैं उसके हेल्प से अपने फेस को हाइलाइट करूँगी। If you are a highlighter girl and you have that budget, then please go for this palette. I am sure you will not regret. Highest points of my cheekbones. Under my brow bone. A little bit highlighter on forehead. On Cupid's bow. Eyes ke inner corners ko main highlight karungi. On my lips, I'm using this stunning lip shade from brand Sephora. मेरे lipstick collection में जितने भी lipsticks हैं उनमें से ये best formula है and I highly recommend you guys to try it out. And yes, makeup को lock करने के लिए and long lasting करने के लिए makeup fixer is must. So yes, that's it. This is the final makeup look. अगर आपको video ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो please एक like कर देना. So, see you in the next video. Have a safe Diwali, guys. Stay safe, stay healthy. Bye.